हेलो क्लास वन स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपना ईवीएस का चैप्टर वन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से हम लोगों ने पेज नंबर वन एंड पेज नंबर टू कंप्लीट भी कर लिया था, है ना? यस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का पेज नंबर थ्री, फोर एंड फाइव कंप्लीट करवाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पेज नंबर थ्री में जब आप बुक को ओपन करेंगे, जब आप बुक को खोलेंगे, देन आपको दिखेगा कि पेज नंबर थ्री में कुछ पिक्चर्स बनाए हुए हैं ना, पिक्चर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको सबसे ऊपर में आपको एक नोट दिया हुआ है जिसको आपको रीड करना है। पुट अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है विथ रेड क्रेयॉन। क्रेयॉन आपका एक कलर होता है जो आप अच्छे से जानते होंगे, जिसको आप लोग वैक्स कलर भी बोलते हैं। ठीक है, आपको स्केच कलर यूज नहीं करना है। ठीक है, फॉर द एक्टिविटीज दैट यू लाइक टू डू, मीन्स लाइक करना। आप किसको लाइक करते हो? जिस आप लाइक मीन्स होता है पसंद करना, है ना। एक्टिविटीज, जैसे कुछ एक्टिविटीज आप लोगों का स्कूल में भी होता है, जैसे प्लेइंग एंड ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, है ना। बहुत सारा एक्टिविटीज होता है जिसको आप लोग कोई लाइक भी करते हैं एंड कोई नहीं भी लाइक करते हैं, है ना। तो आगे दिया हुआ है एंड ब्लू क्रेयॉन। पहले आपको रेड क्रेयॉन लेना है एंड देन एक ब्लू क्रेयॉन लेना है। तो ब्लू क्रेयॉन किसके लिए लेना है? जिसको आप लोग नॉट लाइक, मींस आप लोग पसंद नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो दो क्रेयॉन हमने ले लिया। फिर आगे उसका करना क्या है? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, पुट अ सर्कल, एक सर्कल बनाना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बुक में कि दो बच्चे हैं, अ गर्ल एंड अ बॉय आर प्लेइंग बैडमिंटन। वो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, है ना, सबसे पहले में। तो क्या आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है? अगर पसंद है तो आप लाइक कर रहे हो उसको, है ना। एंड जब लाइक कर रहे हो तो आप रेड से उसको सर्कल कर दो। फिर सेकंड में आप देख रहे होंगे कि टू बॉयज आर फाइटिंग। फाइटिंग आप यू नो कि फाइटिंग अच्छी बात नहीं है, है ना। तो फाइटिंग को आप लोग ब्लू से करेंगे सर्कल। ऐसे करके बहुत सारा पिक्चर दिया हुआ है आपको, इसको अपने पेरेंट्स के हेल्प से पहचानना है कि क्या कौन क्या कर रहा है। एंड अगर आपको वो पसंद आएगा तो आप उसको रेड से सर्कल कर दोगे, एंड अगर आप उसको लाइक नहीं करोगे देन आप उसको ब्लू से सर्कल कर देना। ओके, बस यही है आपका पेज नंबर थ्री में, आपको यही करना है। ओके, इससे आपको ये पता चलेगा लाइक एंड नॉट लाइक का डिफरेंस क्या होता है। ओके, देन लेट्स ट्राई फोर। अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर फोर में। ओके, तो पेज नंबर फोर में आपका लेट्स ट्राई फोर है। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर भी दिख रहा होगा, मैंने लेट्स ट्राई फोर बोर्ड पर आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है, राइट कर दिया है। तो इसमें क्या है ना, जब आप बुक में एक पिक्चर देखोगे, पिक्चर जो दिया है उसमें टू फ्रेंड्स आर देयर, है ना। दो फ्रेंड्स हैं जो एक साथ क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, है ना। एंड साइड में जब आप देखोगे तो वही दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं। तो ड्राइंग तो हमने देख लिया कि पहले वो लोग खेल रहे थे एंड देन वो लोग फाइट करने लगे हैं। पहले वो लोग एक अच्छे फ्रेंड थे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। यस, बस यहां से लेके यहां तक आपका स्टोरी है, मैं आपको रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। वन डे राजन, मींस फर्स्ट फ्रेंड का क्या नाम था, फ्रेंड नंबर वन राजन, एंड सेकंड वन का नाम था राहुल। तो वन डे, एक दिन राजन ब्रोक, ब्रोक मींस तोड़ देना, किसी भी चीज को तोड़ देना, ठीक है। राहुल्स पेंसिल, मींस राजन ने एक दिन क्या किया, राहुल का पेंसिल तोड़ दिया। यस, राहुल गॉट वेरी एंग्री, राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। होता है ना ऐसा, आपके साथ भी होता है कि जब आप अपने क्लास में बैठे रहते हो, पढ़ाई करते हो, और कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट आपके क्लासमेट जो आपके साथ शैतानी करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यस, तो गुस्सा मींस एंग्री। आप एंग्री मींस क्या हो गया, गुस्सा करना, ठीक है। ही स्टार्टेड फाइटिंग विद हिम। फिर क्या हुआ, जैसे ही राहुल का पेंसिल टूटा हुआ राहुल ने देखा, राहुल क्या करने लगा, उसके साथ फाइटिंग स्टार्ट कर दिया। यस, फाइटिंग मींस झगड़ा करना शुरू कर दिया, जैसा कि आप लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं, है ना। यस, तो ये है स्टोरी, एक सिचुएशन है, ठीक है।
अब आपको बताना है, अब आप यूकेजी से क्लास वन में आ गए हो, तो अब आपको बताना है कि अब क्या होना चाहिए, ठीक है? तो व्हाट शुड हैपन नाउ, अब आगे क्या होना चाहिए? यस, से यस और नो। आपके पास तीन आपको दे दिया गया है ऑप्शंस, कि थ्री ऑप्शंस में से आपको जो सही लगता है उसमें आपको यस बोलना है, लिखना है, एंड जो अगर आपको सही नहीं लगता है तो आपको नो लिखना है, ठीक है? तो ए में दिया है राजन शुड से सॉरी, राजन को सॉरी बोल देना चाहिए, है ना? राजन ने राहुल का पेंसिल तोड़ दिया था ना, तो राजन को सॉरी बोलना चाहिए था। तो यस, गुड बॉय और गुड गर्ल वही होते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे सही बात है, उसको सॉरी बोलनी चाहिए, है कि नहीं? आप बताओ, सॉरी बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, सॉरी बोलना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? यस, ओके। देन बी में है राहुल शुड हिट राजन। ओके, हिट मीन्स क्या हुआ? हिट मीन्स बूम, मीन्स पिटाई करना, है ना? तो राहुल को राजन का पिटाई करना चाहिए था। क्या ये पिटाई करना सही है? अगर पिटाई वो करेगा तो फिर वो पिटाई करेगा, देन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा वाला फाइटिंग हो जाएगा, है ना? फाइट हो जाएगा दोनों के बीच में, तो फाइटिंग तो अच्छी बात नहीं है। गुड स्टूडेंट्स क्या करते हैं? वो फाइटिंग नहीं करते हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, यस या नो? तो यहाँ पे होना चाहिए नो, मीन्स उनको मतलब क्या है कि राहुल को हिट नहीं करना चाहिए। राहुल शुड ब्रेक राजन पेंसिल। अब बताओ, तो राजन ने राहुल का पेंसिल तोड़ दिया, तो क्या राहुल को भी राजन का पेंसिल तोड़ देना चाहिए था? मान लो कि अगर आप क्लास में बैठे हो, किसी ने आपको परेशान किया, तो क्या आप उसको भी परेशान करोगे? नहीं, आप परेशान नहीं करोगे, आप अपने टीचर से कंप्लेन करोगे, है ना? कंप्लेन करने से टीचर उसके उनको पनिश करेंगे, है ना? अगर आप खुद से उनको पनिश करोगे तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी एंड उनको भी मिलेगी, तो इसमें तो अच्छी बात नहीं है, है ना? तो चलो इसमें भी हम लोग नो लिख देंगे। नो मीन फर्स्ट में आपको यस लिखना है, देन सेकंड में नो, एंड थर्ड में भी आपको नो लिख देना है, ठीक है? तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 4 कंप्लीट, ओके। देन पेज नंबर 5 में लेट्स ट्राई 5 है। लेट्स ट्राई 5 में फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से ये आपका पेज नंबर 5 है, जिसमें आपको कुछ नेम प्लेट्स टाइप दिया हुआ है, नेम प्लेट्स टाइप दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड मैं बता देती हूँ कि ये आपके इंट्रोडक्शन के बारे में है ना। तो पहले भी आप लोगों ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से और लिखना भी जान गए हो एंड बोलना भी जानते हो, पहले से जानते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले दिया हुआ है माय नेम। तो माय नेम मींस मेरा नाम, एंड यू नो वेरी वेल कि आपको अपना नाम लिखने आ गया होगा, है ना? तो माय नेम जहाँ पे लिखा है वहां पे आप लोगों को माय नेम मींस आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है? देन माय एज, एज मींस होता है आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हो, तो माय एज में आपको अपना एज लिख देना है, ठीक है? देन आई एम डैश, आई एम अ डैश, आई एम अ डैश ब्रैकेट बॉय और अ गर्ल, और गर्ल मीन्स आप बॉय हो या गर्ल हो। अगर आप बॉय हो तो बॉय में टिक आउट करो, और अगर आप गर्ल हो तो गर्ल में टिक आउट करो, एंड जो जगह पे आपको लिखना है वहां पे आप फिलअप कर देंगे, ठीक है? देन क्लास, आप कौन से क्लास में आ गए हो, मीन्स आप कौन से क्लास में पढ़ने लगे, तो क्लास 1 में। एंड मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि आपको क्लास जब भी लिखना है तो आपको क्लास 1 ऐसे नहीं लिखना है, आपको क्लास 1 ऐसे लिखना है, ठीक है? ये रोमन नंबर है तो आपको रोमन में ही लिखना है। स्कूल, तो स्कूल आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपको पता है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल स्कूल, है ना? तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया कि आप लोगों को अपने स्कूल का जो नेम है उसका स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना है, लर्न करना है, देन आपको यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है? और अगर आपने लिख लिया तो फिर आप उसको लर्न करो, है ना? देन है माय टीचर्स नेम, आपको अपने टीचर यानी अपने क्लास टीचर का नेम लिखना है। क्लास टीचर मीन्स जो आपके क्लास के टीचर हैं, जो आपका फर्स्ट पीरियड लेंगे वो होते हैं आपके क्लास टीचर, ओके?
तो यहाँ पे आपको अपने क्लास टीचर का नेम लिख लेना है। माय होम, अब आपको होम के बारे में बताना है, मीन्स आपको अपने घर के बारे में बताना है। कॉलोनीज नेम, मीन्स आप कौन से कॉलोनी में रहते हो, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोल सकते हो, मीन्स कौन से मोहल्ले में रहते हो, ठीक है, तो उस जगह का नाम लिखना है। देन आपको दिया है सिटी, है ना, सिटी मीन्स कौन से शहर में रहते हो, आप कौन से शहर में रहते हो, तो ये अगर आपको नहीं पता है आप अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कंट्री, तो ये तो सबको पता है कि आप कौन से कंट्री में रहते हो, कंट्री मीन्स आप कौन से देश में रहते हो, तो आप रोज प्लेज करते हो ना, इंडिया इज माय कंट्री, तो आपका कौन सा कंट्री हुआ, इंडिया, है ना, तो इंडिया आपका कंट्री हुआ, तो आपको यहाँ पे इंडिया लिख देना है। तो इंडिया का स्पेलिंग आपको मैं बता देती हूँ, INDIA, ओके, इंडिया। देन साइड में आपका दिया है माई फ्रेंड्स, और उसमें टू कॉलम्स है, तो माई फ्रेंड्स मीन्स टू कॉलम्स दिया है, इसका मतलब आपको टू फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, है ना, आपको टू फ्रेंड्स के नेम यहाँ पे लिख देना है। देन आप नीचे देखोगे माई फेवरेट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स आपको अच्छे से पता है, वेजिटेबल्स मीन्स होता है सब्जियां, है ना, आप कौन सा वेजिटेबल सबसे ज्यादा पसंद करते हो, क्या खाते हो आप, तो वो आपको टू वेजिटेबल्स नेम यहाँ पे लिख देना है। ओके, देन माई फेवरेट फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल, है ना, तो आप कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा पसंद करते हो, वो टू फ्रूट्स आपको यहाँ पे लिख देना है। तो जब आप ये पूरा फिलअप कर लोगे पेज नंबर 5 का, देन आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, है ना, रीड करके, और ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, तो हो गया आपका पेज नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज नंबर्स के साथ, है ना, सो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर, बाय बाय।